हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड बुक आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स। हमें बताना है 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन से फॉल्स है और कौन से ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, -3/5 lies to the left of 0 on the number line। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ नेगेटिव नंबर इस साइड आते हैं, पॉजिटिव नंबर इस साइड आते हैं और नेगेटिव नंबर इस साइड आते हैं। तो उसने ये बोला है कि -3/5, पहले बात तो ये देखो -3/5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियोज में कि पॉजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, कि अगर 3 भी मतलब जैसे p/q है तो P भी पॉजिटिव हो और Q भी पॉजिटिव हो, या P भी नेगेटिव हो और Q भी नेगेटिव हो, तो ये दोनों केस पॉजिटिव के होते हैं। और नेगेटिव का क्या कंडीशन होती है कि अगर P नेगेटिव हो जाए, Q पॉजिटिव हो जाए, और या फिर हम बोल सकते हैं कि P पॉजिटिव हो जाए और Q नेगेटिव हो जाए, मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ ये जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो ये किस साइड पे लाई करेगा, लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, यहाँ लेफ्ट साइड है और यहाँ राइट साइड है। तो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 के लेफ्ट में होते हैं। तो उसने यही बोला है, देखो ये नेगेटिव नंबर है तो ये कहाँ लाई करेगा, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये बिल्कुल सही बोला है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ क्या बोला है, -12/7। तो देखो ये भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नंबर किधर लाई करना चाहिए, लेफ्ट में लाई करना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ द 0, मतलब ये इस साइड में बोल रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ तो इधर की तरफ तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो ये भी फॉल्स है, ये सेकंड वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फिर तीसरा है, द नंबर्स द रेस्टल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। भाई जैसे यहाँ कहीं 0 है, इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इस साइड में नेगेटिव होंगे। तो देखो ये 1/3 दोनों पॉजिटिव है, तो ये कहीं यहाँ इस साइड में आएगा 1/3, और -5/2 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो वो किस साइड में आएगा, इधर आएगा। तो उसने यही बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों नंबर्स ऑपोजिट साइड में है 0 के, एक लेफ्ट साइड में तो एक राइट साइड में। देखो पॉजिटिव वाला राइट साइड में है और नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड में है, तो ये सही बोल रहा है स्टेटमेंट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा बोला होता कि ये सेम साइड में होते हैं तो यहाँ क्या होगा, फॉल्स हो जाता। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखो, अभी हमने देखा था कि भाई किसी भी नंबर के पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ देखो -18/-13, आप डायरेक्ट चाहो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 18/13 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है तो ये किस साइड में लाई करेगा, राइट साइड में लाई करेगा। इसने क्या बोला है, द रेस्ट ऑफ नंबर -18/-13 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ इस साइड में लाई करेगा -18/-13, जो कि कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट साइड में लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1C एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।